सो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन में रेफरल इनकम कितनी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, टोटल अर्निंग 4,250 रुपीस हुई है। इस तरह से आपको स्क्रैच कार्ड मिलेंगे रेफरल करने पर सक्सेसफुली। तो आप किस तरह से ये अर्निंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप एंजल वन में अपना अकाउंट 5 मिनट में ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैक्सिमम अप टू 2,000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा, नहीं तो मिनिमम आपको 150 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर से एंजल ब्रोकिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करना है, आपका नेम, मोबाइल नंबर, करंट सिटी आपकी जो भी है उसको यहाँ पर से फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी को सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विद डिजी लॉकर, यहाँ और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिजी लॉकर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टेंट डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर इंस्टेंट विद ओपन अकाउंट विद डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर डिजी लॉकर की वेबसाइट पर लेके जाएगा। यहां पर से आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। यहां पर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कीजिए। इसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से परमिशन को अलाउ करना है। तो इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स है यहां पर फेच हो रही है। डिटेल्स फेच होने के बाद आपको यहां पर एक फॉर्म आएगा, यहां पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है। यहां पर आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फिल करना है। यहाँ पर आप अपना फादर का फर्स्ट नेम फिल कीजिए, यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहां पर सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का एक फ़ोटो लेना है, या अगर अपने आपके फ़ोन में ऑलरेडी एक फ़ोटो है तो उसको आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर आप यहां पर से उसको अपलोड कीजिए। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पैन कार्ड पर जो भी सिग्नेचर है वही सेम सिग्नेचर आप एक ब्लैंक वाइट पेपर पर अपने पेन से कीजिए। उसके बाद आपको उसकी एक फ़ोटो लेना है, उसको फ़ोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। ये ऑप्शनल में है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर चाहिए या नहीं इसको आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर NSDL की ई साइन वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर आई हियर बाय ऑथराइज पर चेक मार करना है। उसके बाद आपके आधार नंबर पर जो आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना और वेरीफाई करना है। आपका यहाँ पर आधार ई साइन हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अपना IPV यानी इन पर्सन वेरीफिकेशन का एक 10 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो में आपको कुछ बोलना नहीं है, बस अपना आपका अपना फेस क्लियरली दिखना चाहिए। इसमें आपको कोई भी हैट टोपी वगैरह पहननी नहीं है। इसके बाद आप अपना एक 10 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, योर लॉगिन डिटेल्स विल बी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है। आपको विद इन 2 to 3 days आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर अपना आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पर एंजल वन ऐप में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर ऊपर क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पर आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनवाइट वाला व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आपको अपनी रेफरल लिंक अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक सेंड करने के बाद अगर आपका फ्रेंड सक्सेसफुली अकाउंट ओपन करता है तो आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच कार्ड देखने के लिए आपको यहाँ पर आना है, थ्री लाइन्स पर क्लिक करना, ऑफर एंड रिवॉर्ड्स पर क्लिक करना। यहाँ पर आप रिवॉर्ड्स में व्यू पर क्लिक कर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर स्क्रैच किया, ऑसम अर्न फॉर सक्सेसफुल इनवाइट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट विद इन 7 डेज। आपको इस तरह से स्क्रैच कार्ड मिलेगा, कमा सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।